बाजी आजकल मैं पिशावर चली जाएंगी और तो मैं क्या करूं? तुम मेरे साथ नहीं जाओगी अम्मा के घर? तुम जाना चाहती हो चली जाओ, आई एम सॉरी। मैं जो तुम्हें प्यार करती हूँ मेरी बच्ची, मैं जो तुम्हें प्यार करती हूँ। क्या बात है सर? सर सर क्या सर सर लगा रखी है, बात बताओ क्या है? मेरा बच्चा बीमार है, केशव साहब बैंक गए हैं, मुझे कुछ एडवांस चाहिए। तुम्हें बच्चे पैदा करने और एडवांस मांगने के अलावा भी कोई काम है? बच्चा पैदा हो तो एडवांस, बच्चा बीमार हो तो एडवांस, क्यों करते हो इतने बच्चे पैदा जो तुम पर भी बोझ और मुल्क पर भी बोझ? बच्चों को पैदा होने से कौन रोक सकता है साहब जी, ये तो ऊपर वाले का काम है। दरिया पर बंद ना बांधा जाए तो वो सब कुछ बहा कर ले जाता है। बीमार कमजोर जाहिल बच्चे पैदा करके तुम कौन सा कारनामा अंजाम दे रहे हो? मेरा बच्चा मर जाएगा सर, उसका ऑपरेशन है। अरे बाबा, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं कहां जाऊं साहब? गो टू हेल सर। आई से गेट आउट। मैं खुद ऐसे मालिक की नौकरी नहीं करूंगा जिसे हमारे दुख सुख का एहसास ना हो, लेकिन जाने से पहले एक बात जरूर करूंगा। शायद खुदा ने तुम्हें इसलिए बेटे की दौलत से नहीं नवाजा, वरना तुमने बेटे के लिए क्या कुछ नहीं किया। इतनी बड़ी जायदाद का कोई वारिस नहीं, तुम अकेले हो, तुम अकेले हो। आई से गेट आउट, गेट आउट। एक बात समझ में नहीं आई जमीला, मुझे अम्मा के घर आए हुए एक महीना हो गया, तू तो एक आध बार मिल भी ली, लेकिन अजीज भाई ने तो अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई। क्या बताऊं बाजी, इतना बड़ा कारोबार और अकेली जान, अजीज को तो सर खुजाने की फुर्सत नहीं। वो तो ठीक है, लेकिन तेरे चेहरे पे पहले जैसी रौनक नहीं रही जमीला। सच बताओ जमीला, तेरे साथ अजीज तो ठीक है ना? दुआ करो बाजी, अल्लाह मुझे बेटा थे। मायूसी गुनाह है जमीला, जिस मालिक ने इतना बड़ा घर मोहब्बत करने वाला शोहर दिया है उसके लिए बेटा देना कौन सी मुश्किल बात है। अल्लाह तुम्हारी जुबान मुबारक करे बाजी। एक आध दिन तो और रुक जाती बाजी, मजबूरी है जमीला, खत पे खत आ रहे हैं उनके। बदर चलो सलाम करो खाला को। खाला सलाम। खाला कब आओगी? बेटे जब आपकी घर छोटा सा मुन्ना आएगा ना तो फिर जरूर आऊंगी। अच्छा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मुबारक हो सर, फर्म को इस साल पिछले साल की निस्बत 10 लाख रुपए ज्यादा मुनाफा हुआ है सर। मैनेजर, मुझे दौलत नहीं, इस दौलत का वारिस चाहिए। सर आप मायूस ना हो, जिस खुदा ने सब कुछ दिया है वो बेटा भी देगा, आप खुश रहा करें, डॉक्टर ने यही मशवरा दिया है। खुशी मेरे नसीब में कहाँ है? मेरे नसीब में नहीं। सर ये कोई नई कॉर्पोरेशन है सर। टेक इट अवे, बाद में, लीव मी अलोन। अपने कर्म की खैरात एक बेटा मेरी झोली में डालकर मुझे उजड़ने से बचा ले, वरना ये महमी ये तन्हाई मेरे सुहाग को डस लेगी। Ooh.
आधी से ज्यादा बीत चुकी है, कब तक इंतजार करेंगे आप? साहब आ जाएंगे, अब आप आराम करें। मैं कहता हूं मुझे परेशान मत करो, चली जाओ यहां से। ये आप कह रहे हैं? हाँ मैं कह रहा हूं, ऐसे गड़ा। मैं आपकी बीवी हूं। नहीं चाहिए मुझे ऐसी बीवी। मैंने तुम्हें झोपड़े से उठाकर महलों में जगह दी, कांच की चूड़ियों को तरसते वाले हाथों को सोने से ला दिया। तुमने क्या दिया है मुझे? बोलो क्या दिया है मुझे? एक बेवा माँ की यतीम बेटी, शोहर को वफाओं के सिवा बीवी क्या है? नहीं चाहिए मुझे वफाएं। आई वांट डन, मुझे वारिस चाहिए, बेटा चाहिए। बेटा अता करने का इख्तियार कुदरत को है अजीज, मैं आपको बेटा कहां दिला कर दूं? देन आई से गेट आउट, चली जाओ। बेटे की ख्वाहिश में आप इस कदर अंधे हो जाएंगे, ये मैं सोच भी नहीं सकती। बाजी शकीला इतनी सवेरे को चली गई। एक पेशावर को यहाँ रखा है, 300 मील का सफर है। मैंने उसे कहा था सुबह सुबह चली जाओ, वक्त पे पहुँच जाओगी। दूसरा उसके मियाँ के खत पे खत आ रहे थे, मैंने भेज दिया। अच्छा सर मैं चलती हूँ। क्यों, बैठो ना। अले मेरा बेटा, बेटी बातें करो, मैं चलती। मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा आ गया। बेटे क्या बात है, सुबह ही सुबह आ गई हो? अजीज कहाँ है? अकेली आई हूँ अम्मा। लेकिन पहले तो तू कभी अकेली नहीं आई। अजीज मसरूफ है। मसरूफ तो भले है बेटा, तेरी आंखें कुछ सुर्ख हैं बेटे। वो दुखी आ गई है अम्मा। कहीं अपनी माँ से कुछ छुपा रही है बेटी। छुपाना क्या है अम्मा? बात समझ में नहीं आती, खुदा ही खैर करे। कल शकीला भी गई थी मिलने, उसने भी कोई बात नहीं की, लेकिन अजीज तो उसे मिला ही नहीं। खुदा जाने क्या किस्सा है। बेटे वालेकुम सलाम। बेगम साहब कहाँ है? वो तो साहब चली गई। चली गई कहाँ?
यमी के घर गई हूँ सर। कुछ बताकर नहीं गई? नहीं साहब, जाते वक्त वो बिल्कुल खामोश थी, सारे लोगों की तरह, सारे लोगों की तरह साहब। लो बेटा दूध पी लो। नहीं अम्मी, ये प्याली गंदी है। ऐसा नहीं कहते बेटा, नानू ने सुन लिया तो कभी पाप नहीं करेंगी। अम्मी, नानू गरीब है। गरीब और अमीर दोनों अलग के बंदे हैं बेटा, तू दूध पी ले। मम्मी, नानू पापा से बड़ी है ना, मैं नानू को बताऊंगी पापा मुझसे प्यार नहीं करते, वो मम्मी को भी मारते। ऐसा मत कहना बेटा, ऐसा मत कहना। अपने वादे सब भूल गए हो बेटे। जमीला को मैंने नहीं निकाला अम्मा, वो अपनी मर्जी से गई। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करना भी तो उसके बस की बात नहीं है। बात उसके बस की है या नहीं अम्मा, लेकिन दूसरी शादी मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं। तकदीर से टकराना अच्छी बात नहीं है अजीज बेटे। मालिक बंदे को किसी नेमत से महरूम रखे तो उसमें भी कोई ना कोई मसलियत जरूर होती है बेटे। मेरे पास बहस का वक्त नहीं है अम्मा, जमीला माँ बनने वाली है, मैं इंतजार कर सकता हूँ। लेकिन इस बार भी उसने किसी मुर्दा या जिंदा बच्ची को जन्म दिया तो मैं दूसरी शादी करने पर मजबूर हो जाऊंगा। दूसरी शादी? जी हाँ, ये मेरा फैसला है। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन अगर दूसरी शादी भी तुझे बेटा ना दे सके तो फिर? मेरे पास दौलत है अम्मा, मैं दूसरी तीसरी चौथी शादी कर सकता हूँ। यहाँ क्या लेने आई हो? अपना हक मांगने। मेरे जीते जी, कोई दूसरी औरत यहाँ कदम नहीं रख सकती। तुम कौन होती हो ये कहने वाली? मैं तुम्हारी बीवी, तुम्हारे होने वाले बच्चे की माँ। जमीला, जमीला, क्या बात है मेरी बच्ची, क्या बात है? कुछ तो बोलो, बोलती क्यों नहीं? ऐसी कौन सी बात है जो माँ से छुपाती है? मुझे माँ समझ के नहीं तो सहेली समझ के अपना दुख बता दो। वो कौन सा दुख है बता दो बेटी, इस चीज में कौन सा दुख छुपा हुआ है? माँ, खुदा मुझे बेटा नहीं देता, तूने अजीज को जायदाद का वारिस कहाँ से लाकर दूँ? रोना मेरी बच्ची, सबर कर, सबर कर। थक गए हैं तेरे की...
खाते मेरे होंठ थक गए हैं, तेरे गीत गाते गाते भटक न जाए, तुझे राह पे लाते लाते कहीं हम भटक न जाए, तुझे राह पे लाते लाते के घर में बेटा हुआ है। तुम बेटे के बाल बन गए हो।
अजीज बेटे के बाप बन गया। आप रो क्यों रही हैं? मैं रो रही हूँ बेटे, मैं तो शुक्राने के मौत ही बहा रही हूँ मेरे बच्चे। चले चले। वाह मेरे बोला, वाह मौत, क्या कुछ कभी तूने सुनाई? मैं उस रात के वाकये से शर्मिंदा हूँ तुमसे। इतनी जल्दी हथियार क्यों डाल दिए तूने? क्या मतलब? हो सकता है मैंने तुम्हारी सूरत देखने के लिए झूठ बोला हो। ये कैसे हो सकता है? गड़े 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 एक खड़ा रहा। बोलो आप क्या चाहिए? कॉफी हमें चाहिए। अरे आसिफ ऐसा नहीं करते बेटा। बेगम साहबा मास्टर जी आगे आसिफ को बुला रहे हैं। वो भाई मास्टर जी आगे। मैंने निपन्ना स्मार्ट मास्टर से ये मास्टर मुझे अच्छा नहीं लगता, मारता मारता है। तुम चल के मास्टर जी को चाय पिला, मैं इसे लेकर अभी आती हूँ। चलो आसिफ। पापा मैंने नहीं जाना, ये मासूम मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा चलो छोड़ो। क्यों नहीं जाना तुमने? नहीं नहीं भाई छोड़ो, बच्चे का मूड होता है, आज अगर नहीं पढ़ना तो ना पढ़े। आपने इसका मूड बिल्कुल खराब कर दिया है। ए, मेरे बेटे को क्यों डांट रहे हो अजीज? कोई नहीं डांट रहा अम्मी जान, इसे कौन डांटेगा? देखो मैं अपने बेटे के लिए क्या लाई हूँ। इसे कुछ नहीं मिलेगा जब तक ये पढ़ेगा नहीं। पढ़ेगा क्यों नहीं? यदि नहीं पढ़ूंगा। जमीला मैं इसके हाथ तोड़ दूंगी। होश करो, क्या कर रही हो? आप इसे बर्बाद कर देंगे अजीज और रोएंगे अपने पिए पर। मीरा आंसू पोंछने के लिए मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। चलो बेटे। बात का बतंगड़ नहीं बनाया करती बेटी। अभी उसकी उम्र ही क्या है, बच्चा है, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। कम सुनी की आते हैं, वक्त और जमाने के साथ नहीं बदला करती अम्मा जान। तूफान की शिद्दत का अंदाजा लगाने के लिए हवाओं का रुख ही काफी होता है। अरे पगली क्या उल्टी सीधी बातें करती हो, अल्लाह अच्छी करेगा। मास्टर जी अस्सलाम वालेकुम। ये लीजिए हमारे बेटे को पढ़ा दे और जल्दी जरा इसे फ्री कर दे, हमें मार्केट जाना। बहुत बेहतर, आओ मेरे बेटे। इधर ही किताब निकालो, हाँ लिखो बेटी, तुम पढ़ो बेटे, यहाँ से कायदा निकालो। शाबाश पढ़ लो बेटे, आइसक्रीम नहीं खानी। शाबाश लो पढ़। मैंने नहीं पढ़ना, आज से बदतमीजी ना करो, मुझे बदतमीज कहती है। आसिफ नहीं बेटे ऐसा नहीं किया करते, बहनों को लोग मारा नहीं करते। अच्छे बेटे शाबाश। बदतमीज कहाँ गया? अबे ठहर, मैं कहता हूँ, मैं तुझे जान से मारूंगा। ये बच्चा बहुत बदतमीज हो गया है जनाब, इसे अपनी बहन के मुंह पर थप्पड़ मारा। पापा जी इसने रुजानी को भी मारा। तुम चुप रहो। नहीं है जनाब, अगर औलाद की परवरिश में ये तकलीफ पैदा कर दी तो आपकी ये तकलीफ नफरत को जन्म देगी, और इसकी आदत अगर आपकी गलत हमदर्दी का सहारा लेकर पुख्ता हो गई तो कल इसका ये हाथ आगे आपको समय। आप क्या बकवास कर रहे हैं? ठीक है फिर आप किसी और मास्टर को बदमाश। ठीक है आप जा सकते हैं। मैं तो चला ही जाऊंगा अजीज साहब, लेकिन जाते जाते एक बात कहता चलूं जो मेरी जिंदगी का तजर्बा भी है और मुशाहिदा भी। अगर इस बच्चे की परवरिश के मुतालिक आपने अपना अंदाज फिक्र न बदला तो यकीन कीजिए वो दिन दूर नहीं जब यही बच्चा आपके नामूस और नासूर बन जाएगा, और फिर आपको मेरी ये बातें याद आएगा। I say get out, मास्टर जी। Wish you best of luck. Thank you. तूने क्यों बंद किया? तुम्हें पता नहीं लग रहा अम्मी नमाज पढ़ रही है? पढ़ने तो मैंने मना किया। Thank you.
दुनिया का गम कौन करे, इतना होश है किसको। सादा इतना नहीं है जितना तुम हमको समझते हैं, समझे नहीं। 30 रुपए में तो हम पेशावर से इधर आया, वो तुम स्टेशन से इधर तक 30 रुपए मांगते। ओ भाई पेट्रोल महंगा हो गया, समझ सकते हो खान बाबा। ओ खुदाया पाक का पेट्रोल महंगा हो गया, वो खावरू कत्ते है डारविश में, पानी से चलाओ। हम 5 रुपए देगा भाई, ओ भाई हम 5 रुपए नहीं ले रहे, ये कोई साइकिल नहीं कोई तेल से चलाओ, तुम्हारा बाप का गाड़ी नहीं। मुंह संभाल के बात करो, समझे नहीं, वरना हमको सब कुछ चाहता है, हम इतना देना जानते हैं। ओ हम इतना साधन है, तुम 5 रुपए लेकर ले राम जाता है, हम नहीं देगा। तुम बदमाश है या? वो हम बदमाश नहीं है, लेकिन हम इतना सादा भी नहीं है जितना तुम हमको समझते है, हम नहीं देगा। ओ हम लेगा, तुम ले? नहीं देगा। अच्छा हाँ, देगा तो, लेकिन ऐसा नहीं देगा। कैसा देगा? ऐसा देगा, इतना पैसा देगा। हम पूरा पैसा लेगा, 30 रुपए देगा, तुम मानता भी है? हम अभी आपको पूरा 30 देगा। अभी बोलो, अब पूरा 30 देगा, हमारा बात दूसरा होगा। अभी देगा, हम तुमको हम फिर देगा। बोलो अभी, हम देगा, हम पूरा देगा। कैसा? बहुत अच्छा है, मजा आया, इतना मजा। जो किराया वो देगा, तेरे को किराया भी देगा, तेरे को इनाम भी देगा। वो देखो हम पठान आदमी है, वो काम ना इंसाफी नहीं करेगा। ये रहो, ये 5 रुपया तुम्हारा किराया, अच्छा। और ये 15 रुपया तेरा मार खाने का, जाओ इस पर दूध मूध पी लेना। हाँ भाई हमको माफ करना, थोड़ा गलती हो गया ना, क्या करे यार। वो पुलिस वाला क्या आ रहा है? वो पूछ रही भाई, हम पुराने वाला दोस्त है, ये शक्ल दे है, ये क्या किया इसको? वो गाड़ी ठीक कराता ना, वो लड़की ठीक कराता है। कितना पैसे लिया तुमने इससे किराए का? 20 रुपए। वो घर में भूल गया है, घर में भूल गया, घर में आता हूँ मैं।
तुम्हारे पास ये क्या है? ये भरा खाला का सामान है। खाला का सामान है? हीरोइन है वो। ये इसमें हीरोइन की तरह बोल। खाला मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ। ये लोग मेरे को चाचा वो हमसे गिरा सब बेटा है। उसे लोग समझाओ। अरे भाई क्यों तंग कर रहे हो? वाकई तुम्हारा मेहमान है। वही हमारा मेहमान है, पिशावर से आया। ये हमारी मालकन का भांजा है। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, जाओ खान बाबा, कोई बात नहीं, ठीक है जाओ। वो अभी खुद जाएगा, अभी उसको खालू को बताएगा, वो तेरे को ठीक करेगा। वो बहुत बड़ा आदमी है, मामूली नहीं है। बहुत अच्छा किया भैया, ये तो अपनी बीड़ी नहीं है, किसी ने दे दिया वो मुसीबत हो जाएगी। क्या हुआ खाला, क्या बात है? कई साल से हाई ब्लड प्रेशर है, सर में दर्द रहता है। ओ खुदाया पाका, खाला यही बीमारी तो हमारी माँ को भी थी। हकीम साहब ने हमको बहुत समझाया कि अपनी माँ को बोलो फिक्र करना छोड़ दे। उसने दुनिया को छोड़ दिया खाला, लेकिन फिक्र को नहीं छोड़ा। दुनिया में रखा ही क्या है बेटा, जितना लंबा सफर उतने दुख ज्यादा। खाला आपको क्या दुख है? अल्लाह का शुक्र है बहुत दौलत है, और ये देखो ये शीश महल जैसे आपका बंगला है, फिर आपको क्या तकलीफ है खाला? दुनिया में गरीबी के अलावा और भी दुख होते हैं बेटा। अच्छा छोड़, तू सुना घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बस खाला क्या बताऊं, अगर रमजानी काका नहीं होता तो यहाँ की पुलिस वाले मेरे पीठ पे फ्रंटियर का नक्शा बना देता। क्यों क्या किया तुमने? वो कह रहे थे तुम्हारे पास हीरोइन है। मैंने कहा मेरे पास किधर है हीरोइन, कहाँ है हीरोइन? ज़रीना, ये तुम्हारी खाला का बेटा है। वो खाला अभी ये मेरे को किधर पहचानता है, हम बहुत मुद्दत के बाद मिला है। अरे ओ वो तुम तो बहुत खूबसूरत हो गया, बहुत मोटा हो गया, मेरे को गले मिलो ना, मिलो गले, अरे गले मिलो। ओ मम्मी, ओ खुदाया पाका, हम कितने कमकल आदमी है, वो हमारा तो दिमाग काम नहीं करते, वो कोई खाला का लड़की के साथ ऐसा मिलता है। ओ खाला हमसे गलती हो गई, मैंने तो ये भी नहीं पूछा कि खालू जान किधर है। उन्हें दिल की तकलीफ है बेटा, लंदन गए हुए हैं इलाज करवाने के लिए। ओहो इधर तो सारा घर बीमार है। वो आसिफ खान कौन सा अस्पताल में है? नहीं बेटा नहीं, ऐसी बात ना करो, वो ऑफिस गया हुआ है, आजकल उसने अपने बाप का कारोबार संभाला हुआ है। ओ ये तो बहुत खुशी की बात है कि उसने अपना बाप का कारोबार संभाला है। ओ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नाराज लगती हो जाने मन, 3 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। शराफत नाम की कोई चीज है तुम्हारे पास? अरे बाबा जब से डैडी लंदन गए हैं काम का सारा बोझ मेरे कंधों पर आन पड़ा है, फुर्सत ही नहीं मिलती। रहने भी दो, दफ्तर भी कई बार फोन कर चुकी हूँ, लेकिन तुम्हारे बारे में लाइल्मी का इजहार किया जाता है। हाँ वो मैंने ऑपरेटर को खुद ही मना कर रखा है कि मेरे बारे में कोई भी पूछे उसे टाल देना। अच्छा तो अब हम कोई है? अरे तुम तो मेरी जाने तमन्ना हो। सच डियर, बेटे 1 fresh lime with 7 up। एक्सक्यूज मी, आप कुछ मुझे I'm sorry, मुझे misunderstanding हुई। मेरा नाम आसिफ है, मैं करोड़पति बाप का अकलौता बेटा हूँ। आपकी तारीफ? मिस्टर मेरा ख्याल है आपकी पार्टनर जा रही है। अब उसे जाना ही चाहिए, चांद के सामने चिराग की क्या हैसियत। What do you mean? Misunderstanding, मेरा मतलब है कि आप बहुत खूबसूरत हैं। Misunderstanding. आसिफ का अगला शिकार तुम।
बदर क्या कर रहे हो तुम? वो खाला क्या हुआ? वो खाला हम मर गया। वो गांव में लोग खेत में जाता है, वो इधर में। मुझे बता तो सही, डॉक्टर को बुलाऊं? क्या हुआ? वो डॉक्टर को, चौकीदार को बुलाओ। वो चौकीदार को बुलाओ। चौकीदार मर गया। चौकीदार वो मेरे पेट में दर्द है, वो किधर हम जाएगा? ये समझ गया, ये समझ गया। शहर में ऐसी जगह होती है, जाओ तुम जाओ। वो अच्छा, वो किधर मर गया था? वो खाला किधर है? वो मेरा घर खो है, सारा सैलाब आ जाएगा अभी। ओहो क्या हुआ बेटा? वो खाला, वो छत फट गया, वो पानी सब आ गया। अब थोड़ा देर में ये सारा महल बह जाएगा। ये क्या कह रहा है? वो शावर खुल गया था बेगम साहब, मैंने बंद कर दिया। ये क्या हंगामा है? क्या शोर कर रहे हैं? कौन है ये माँ? ये पागल कौन है? वे, ये मेरे को पागल बोलता है? ये कौन है इधर? ये तेरा भाई है आसिफ। ये आसिफ है? वो आसिफ खान है। बस यार गली मिलो यार। छोड़ दे, बस हो गया। वो नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा तेरे को। बोलो, मेरे साथ एक वादा करेगा? जरूर मेरे को सेल कराएगा। सेल कराऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। कौन सा शर्त? कि कपड़े बदलोगे। कपड़े? वो क्या है इसमें यार? ये साफ सुथरा है, कोई बात नहीं। बदबू आ रही है। हां क्या? वो नहीं आएगा, नहीं आएगा। अभी 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 ठीक हो के आएगा। ऊपर जाके हम पता नहीं करेगा। पागल है, चला नीचे गया। तोबा तोबा, दिमाग खराब कर दिया इसने। जंगली है, बिल्कुल जंगली। अम्मी, आसिफ तू रात को कितने बजे आया था बेटा? वो रात को तो मैं आ गया था अम्मी। आ गए थे रात के 2-3 बजे। तू चुप कर अम्मी। मतलब की बात है ना, मक्खन लगा रहे। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, सिर्फ 5,000 रुपयों की। 5,000? हाँ। पापा लंदन जाने से पहले सारा अकाउंट तो तुम्हारे नाम कर गए थे, इतने सारे पैसे क्या कर रहे हो? सुबह सुबह मूड खराब करने की बात न कर जरीना। पापा की हर चीज का मैं मालिक हूँ, तुम कौन होती हो? मैं भी उसी बाप की बेटी हूँ और तुम्हारी बहन भी। मुझे ये पूछने का पूरा बकवास बंद कर दे। तुम बकवास मत करो। माँ इसे समझा दे, होना चाहिए होगा। सच्ची बात कड़वी लग रही है ना? मैं कहता हूँ खामोश। क्या क्या खामोश? बस बस बस, तुम्हें 5,000 चाहिए ना? हाँ। आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ। माँ के प्यार ने तो बिगाड़ के रख दिया है, बाप की सारी जायदाद तबाह कर रहा है, बिल्कुल लोफर हो गया है। खुदा खैरी करे इस लड़के पर। Miss misunderstanding, how are you? Nonsense. Hmm.
फायदे से ही होगा। This foolish man. Hello. Singe hai. Ye foolish kya hai? No, tum khubsurat mota. Oh, me now, me now. Hey, ye foolish man. Khubsurat. हेलो सर। हेलो। ये कौन? मेरी खाला का लड़का गांव से है। ओ सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कोटा तुम्हारा है? हाँ हाँ। हेलो मुंशी जी। देखो जी हुजूर, हमारे मेहमानों को कोई तकलीफ होने ना दे। कोई तकलीफ नहीं होगी खान साहब। यार तुम किधर से? हो जाए सेठ, हो जाए। चार हजार, दस हजार, दस हजार। दस हजार। शो फर्स्ट जीतो। मुंशी मुझे 20,000 रुपए चाहिए। अरे 20,000 तो क्या, 40,000 तो ले लो, सारा जुआ खाना ही आपका है आसिफ साहब। ये ले 20,000 रुपया। अरे इस बात सुनिए, जरा दस्तखत तो करते जाइए आसिफ साहब। यहाँ करें शब्द 10,000 रुपया। खुदा जाने हमारे सेठ साहब इन पर इतने मेहरबान क्यों हैं? वसूली की तरफ ध्यान ही नहीं। खैर ये इनके लिए मामूली बात है, करोड़पति बाप का बेटा है, लेकिन हमारा सेठ भी कच्ची गोलियां नहीं खेलता। बांधे सा बंद कोई, बांधे सा
मैंने तफ्तीश के सिलसिले में कहीं जाना है। अजीज भाई आए तो शादी की कोई मुनासिब सी तारीख मुकर्रर कर लेना। बैठिए भैया बैठिए, गाड़ी एयरपोर्ट पर उन्हें लेने के लिए गई हुई है, अभी आते ही होंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? फाइन सर। कैसी हो? कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक फिट। बैठो और तशरीफ रखें आप भी। अजीज ये जरीना की शादी की तारीख के लिए आए हैं। शादी की तारीख? आखिर इतनी जल्दी भी क्या है? मेरा लड़का बाहर जा रहा है। हुआ नहीं दीजिए, वापस आएगा तो शादी हो जाएगी। लड़की को घर में बिठाने की भी एक उम्र होती है अजीज। क्या बात करते हैं डीएसपी साहब, लड़के वालों की नजर अमीर घराने की लड़की पर नहीं, घर की तिजोरी पर होती है, समझे आप? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ, यही मेरा मुशाहिदा है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, दो तीन दिन बाद मुझे कोई इत्तला कर दें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, दो तीन बाद इत्तला कर देंगे। ये तुमने अच्छा नहीं किया अजीज। अरे क्या अच्छा नहीं किया, तुम तो खामखा की बातें करती रहती हो। मेरा बेटा कहाँ है? वो शकीला बाजी का बेटा आया हुआ है पेशावर से, उसे घुमाने के लिए गया हुआ है। तो तुम यहाँ धूप में क्यों बैठी हो? चलो उठो, चलो अंदर ड्राइंग रूम में, चलो चलो आओ। तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। आसिफ डर लगता है कहीं बदनाम ना हो जाऊं। तो फिर क्या हो जाएगा? मर्द का तो कुछ नहीं बिगड़ता, जिंदगी तो लड़की की बर्बाद हो जाती है। पापा जैसे ही लंदन से वापस आए हमेशा हमेशा के लिए खौफ खत्म कर दूंगा। क्या मतलब? मेरा मतलब तुम्हारी मेरी शादी। सच? अरे ऐसा वैसा सच, हनीमून स्विट्जरलैंड मनाएंगे, मैं तुम्हें अमेरिका का सैर कराऊंगा, अपनी जापानी गुड़िया को जापान दिखाऊंगा। तुम कितने अच्छे हो आसिफ। तुम कितनी स्वीट हो डार्लिंग। हेलो मिस मिसअंडरस्टैंडिंग, क्या मैं बैठ सकता हूँ? आप अहमदाबाद में? मेरा मतलब है कि इस होटल में। अजीब इत्तेफाक है, मैं भी इसी होटल में हूँ। बाय द वे आपका रूम नंबर प्लीज। ए मिस्टर, आप मेरे साथ ज्यादा फ्री ना हो तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। प्लीज लीव मी अलोन। मेरा मतलब है कि वो आई से शट अप। तुम बैठो, मैं चलती हूँ। नॉनसेंस। क्या बात, नाराज हो गई? कौन थी ये मोहतरमा? है दूर की रिश्तेदार। उसने तुम्हें कोई खास लिफ्ट नहीं करवाई? नाराज है किसी बात पर? तो राजी कर लिया होता। छोड़ो इन बातों को, तुम्हें क्या है, आओ कमरे में चले। अरे बाबा चलो, क्या हुआ तुम्हें? चलो आ जाओ आ जाओ। हाँ कमाल। रमजानी आसिफ में अभी नहीं जाओगी? जी नहीं साहब। क्यों, उन्हें मालूम नहीं क्या मांग गए? नहीं साहब। अच्छा ठीक है, हम खुद सरप्राइज देंगे उसे। अल्लाह, ओ हमको नहीं पता है खाला आसिफ किधर गया है। झूठ मत बोलो बेटी। ओ खाला, झूठ बोलने वाले पे खुदा का लानत है। लेकिन खाला एक बात बताता हूँ, असब जो भी खेलता है और असब गंदा बाजार में जाता है, वो घुंगरू वाला नाचता है, उसको 100-100 रुपए का नोट भी देता है। हाँ खाला, दूसरा बात, वो हीरोइन भी पीता है। और सबसे लालची बात जो है खाला, वो ये है, वो सुदखोर नहीं है, वो सुदखोर से पैसा भी लेता है। बेटा अस्तबोल, दीवानों की तरह मोहब्बत करने वाले बाप ने सुन लिया तो उसकी बीमार दिल पर बिजली टूट पड़ेगी। खालू आ गया? खाला? हाँ बेटा, वो आ गए हैं, लेकिन लेकिन तू उनसे नहीं मिलेगा। क्यों, हम क्यों नहीं मिलेगा? बेटा सादगी में अगर तूने उन्हें कुछ कह दिया तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे,
नहीं कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। ठीक है खाला, नहीं मिलेगा। वहां बंगला बनाएंगे। एबटाबाद कितनी खूबसूरत जगह है तो, लेकिन वो क्या, कहीं झूठ का भांडा ना फूट जाए। झूठ क्या? यही कि मैं अपनी एक सहेली से मिलने का बहाना करके आई थी। अरे तो इसमें झूठ क्या है, मैं भी तो तेरी सहेली हूँ। सहेली नहीं सहेला। मिसअंडरस्टैंडिंग। वफा की उम्मीद ना रखना सवेरा, ये बेवफा है, हर जाई है। इससे पहले ये तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दे, चली जा यहाँ से, चली जा। आई हेट यू आसिफ, आई हेट यू। तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे? खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो, छोड़ दो मेरा पीछा, छोड़ दो। ये दिल बड़ा पागल है, ये दिल बड़ा पागल है, पीछा नहीं छोड़ेगा। ये दिल बड़ा पागल है, पीछा नहीं छोड़ेगा। तुम बच के कहाँ, तुम बच के कहाँ जाओगे सनम। ये दिल बड़ा पागल है, पीछा नहीं छोड़ेगा। ऐसे में अकेलापन किस काम का, छीनूंगा तुम्हारी मैं ये तन्हाया। तुम बच के कहाँ, तुम बच के कहाँ जाओगे सनम। ये दिल बड़ा पागल है, पीछा नहीं छोड़ेगा। अब कर लो, नहीं है किसी को भी खबर कल की। तुम बच के कहाँ, तुम बच के कहाँ जाओगे सनम। ये दिल बड़ा पागल है, पीछा नहीं छोड़ेगा। फुलझड़िया
लूंगा मैं फूल जड़िया, कैद कर लूंगा इन बाहों में तुम्हें, चाहे लग जाए मुझे हाथ कड़िया। ओ तुम बच के कहां, तुम बच के कहां जाओगे सनम, ये दिल बड़ा पागल है, पीछा नहीं छोड़ेगा, ये दिल बड़ा पागल है, पीछा नहीं छोड़ेगा। तमाम बैंक अकाउंट्स डेल, फर्म ब्लैक लिस्ट हो गई, सब कुछ हर्फ गलत की तरह मिट गया। मैं पूछता हूँ, तुमने इस बर्बादी की इत्तला पहले क्यों नहीं दी? मैं मजबूर था साहब, आसिफ मियां ने मुझे बेबस कर दिया था। आसिफ मियां ने, आसिफ, 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 नहीं नहीं, हमें किसी से गिला करने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। आपकी तबीयत खराब हो रही है जी, आपकी तबीयत खराब हो रही है साहब, आप घर जाए, घर चले जाए जी। कर क्या मुंह लेकर जाए, किस हौसले से जाए, अब हमारे पास रखा ही क्या है। आप हौसला करें, हौसला करें साहब, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ, पानी लाता हूँ मैं आपके लिए जी। तूफान की जद में आकर चिराग कब तक चलेगा, कब तक चलेगा, कब तक चलेगा। मैं तो चला ही जाऊंगा अजीज साहब, लेकिन जाते जाते एक बात कहता चलूं, जो मेरी जिंदगी का तजर्बा भी है और मुशाहिदा भी। अगर इस बच्चे की परवरिश के मुतालिक आपने अपना अंदाज फिक्र न बदला, तो यकीन कीजिए वो दिन दूर नहीं जब यही बच्चा आपके नामूस का नासूर बन जाएगा। जमीला, मैं पागल हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा। हौसला रखो अजीज। जमीला, मैं टूट चुका हूं जमीला, जो कुछ मैंने बोया था उसका नतीजा देख लिया, मेरा सब कुछ छिन चुका है जमीला, मैं दिवालिया हो चुका हूं, कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा। हिम्मत से काम ले अजीज, कारोबार चलाने के लिए हम ये कोठी बेच देंगे। नहीं जमीला, अब ये कोठी मेरी नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? मैं ठीक कह रहा हूँ जमीला, ये कोठी मेरी नहीं, इस बदनसीब की है जिसे जिंदगी भर नफरत के सिवा मैं कुछ न दे सका। ये मेरे सीने पर सर रखने को तरसती रही, लेकिन मैंने इससे बेटी होने का हक तक छीन लिया। ऐसा न कहे, आपने आसिफ से ज्यादा मुझे प्यार किया है। मुझे और शर्मिंदा न करो सरीना। ये कोठी बेच दे, आप सलामत रहे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सरीना। मुसरत, मुसरत, जो हो गया उसे भूल जाओ मुसरत। कैसे भूल जाऊं? तुमने वो शेर नहीं सुना, रात की बात का मस्कूर ही क्या, रात गई बात गई। मर्द और औरत में यही तो फर्क है, मर्द सब कुछ भूल जाता है और औरत कुछ नहीं भूल सकती। मुझ पर एतमाद करो मुसरत, मुस्तकबिल में अच्छे शरीक साबित होंगे। शरीक? नहीं नहीं, प्लीज तुम चले जाओ, चले जाओ। ये तुम्हें अचानक क्या हो गया? मुझे मुझे डर लग रहा है आसिफ, मुझे डर लग रहा है।
अरे क्या पुराने जमाने की बातें कर रही हो, हंसो हंसो प्लीज। वेरी गुड। हाँ यस कम इन। ओ चाय एक बार भी लाओ। वालेकुम सलाम, बहुत खूब। तुम चाय बनाओ, हम तुम्हें आज की ताजा ताजा खबरें सुनाते हैं। आज की ताजा खबर, लाहौर टेस्ट में मुदस्सर नजर और मोहसिन खान ने सेंचुरियां बनाई। दैट्स गुड, दैट्स राइट, वेरी गुड। एक अदद कोठी रकबा एक कनाल, पांच बेडरूम, ड्राइंग डाइनिंग कारपोर्ट बराए फरोख्त थे। ख्वाहिशमंद हजरात फौरी रजू फरमाए, हम फरमाएंगे, तुम्हारे लिए खरीदेंगे। अजीज अहमद, अजीज अहमद, समनाबाद, फोन नंबर 8543 76। पापा आ गए। मैं आसिफ के किसी कॉल और फेल का जिम्मेदार नहीं हूँ। जाओ अपने मालिक से कह दो कि ये कोठी मेरी है और इसे गिरवी रखने का हक भी सिर्फ मुझे। हौसला सेठ साहब, हौसला। तो फिर ये बात है तो मैं अपने मालिक से जाके कह दूंगा कि घी जरा सख्त है, कांटे बगैर नहीं निकलेगा। शहरो, तुम्हारा मालिक कहाँ है? बाहर दरवाजे पे खड़ा है जी, हुक्म हो तो बुला लूं। बुलाओ। ये क्या नई मुसीबत आ पड़ी है? तुम नहीं, आप कहो सेठ। साम मर गया लेकिन बल नहीं निकला। मैं कहता हूं बकवास बंद करो। कान खोल कर सुन लो अजीज, अगर सूरज गुरूब होने से पहले मेरी रकम मुझे ना मिली तो तुम तो क्या, मेरा बाप इस कोठी को नहीं बेच सकता। सेठ, ये कोठी मेरी मिल्कियत है और इसे बेचने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे बेटे की ये फेरी 10 लाख का कर्जनामा। इस कर्जनामे पर मेरे बेटे के दस्तखत हैं, मेरे नहीं, जिसका मैं जिम्मेदार नहीं। सोच लो अजीज, अगर तुमने इस कोठी को मेरे हवाले नहीं किया तो मैं तुम्हारे बेटे के लहू का एक एक खतरा न छोड़ लूंगा। चलो शेर खान। चलो शौकत। कौन शौकत? वो वो तो उसी दिन मर गया जिस दिन उसकी गुर्बत ने अपने मासूम बच्चे को दबा के बगैर मरते देखा। ये क्या कह रहे हो तुम? देखो शौकत, अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे शर्मिंदा हूं। शर्मिंदा हो तो मेरा बच्चा मुझे वापस ला दो, मैं तुम्हें कर्ज की एक एक पाई माफ कर देता हूं। अजीज, मेरा बच्चा मुझे वापस ला दो, ला दो मेरा बच्चा, नहीं तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि कर्ज के बदले इस खोटी को और उसका तमाम सामान मेरे नाम लिखकर अभी और इसी वक्त निकल जाओ यहां से। देखो मैं अपनी जवान बेटी को लेकर कहां जाऊं? दुनिया मकाफात अमल है, गुम्बद बना हुआ है। याद करो वो दिन जब तुमने भी मुझे यही कहा था, गो टू हेल। कर दीजिए साइन, हम फुटपाथ पर जी लेंगे, नहीं चाहिए ये कोठी, हमें आपकी इज्जत और जिंदगी चाहिए। असीस, कर दीजिए साइन, कर दीजिए साइन, कर दीजिए साइन, आपको मेरी कसम है, आपको मेरी कसम है, कर दीजिए साइन। अदेश, दस्तखत कर दो। ये कौन है? मैंने सुना है ये बस्ती में नया है, बिशरी का मकान किराए पे लिया है।
बुढ़ा बीमार लगता है। अबे मैंने सुना ये दिल का मरीज भी है। ये अमीरों की बीमारी इसे कैसे लग गई? अबे किसी जमाने में ये बहुत अमीर था, इसको बेटे ने बर्बाद करके रख दिया है। ओ अल्लाह औलाद दे तो नेक दे। जी जी के बच्चे, इतनी देर से हॉर्न बजा रहा हूँ, दरवाजा क्यों नहीं खोला तुमने? आप कौन है? अच्छा अब हम कौन हो गए? कौन के बच्चे? मैं अजीज अहमद का बेटा आसिफ हूँ, दरवाजा खोलो। कोठी बेच कर चले गए। कोठी बेच कर चले गए? कहाँ गए? हमको नहीं पता। ऐसा न कहिए भाईजान, वरना हमारी रही सही जिंदगी भी अजाब बन जाएगी। इसका जिम्मेदार तुम्हारा शौहर है। याद है वो दिन जब मैं तुम्हारे घर रिश्ते की तारीख लेने गया था, क्या कहा था उसने? मैं उनके कहे पर शर्मिंदा हूँ भाई साहब। जुबान के घाव शर्मिंदगी के मरहम से नहीं भरा करते बेगम अजीज। आसमान का तुका हमेशा मुंह पे गिरता है। मैं मानती हूँ, लेकिन बाप के गुनाह की सजा बेटी को देना कहाँ की इंसानियत है? कहाँ की इंसानियत है आरफा? मैं मजबूर हूँ बहन, मैं मजबूर हूँ। मैं एक भरोसा, एक एतमाद लेकर आई थी, लेकिन देख लिया दरख्त सूख जाए तो परिंदा भी उस पर आशियाना नहीं बनाता, नहीं बनाता। चलो तुमसे सौदा कर ही लेता हूँ। सौदा? अगर अजीज अहमद शादी की तारीख लेने खुद यहाँ आ जाए तो मुझे बस्ती में बारात लाने पे कोई एतराज नहीं। मुझे अपनी जिल्लत गवारा है, लेकिन तुम लोगों के हाथों अपने शौहर की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे मेरी बेटी घर में बैठी बूढ़ी क्यों ना हो जाए। Then I'm very sorry. ये दूध और दवाइयों के पैसे कहां से आए बेटे? आप दूध पी ले, ठंडा हो जाएगा। घर से तुम और तुम्हारी माँ जो जेवर लाए थे वो तो बिक गए, अब समझ में नहीं आता क्या होगा। आप ठीक हो जाए, मैं कोई नौकरी कर लूंगी। नहीं दरीना, मैं तुम्हें अपनी खताओं के कांटों पर नहीं चलने दूंगा। अम्मी जमीला, क्या हुआ बोलो। जलील करने के लिए बुलाया है आपको। मैं हूं इसके काबिल, मैं जाऊंगा। आप नहीं जाएंगे अजीज, आपकी तबीयत। मैं नहीं मरता जमीला, मुझे अभी बहुत कुछ देखना है। मेरी बेटी आबाद हो जाए, मुझे हर दिल्लत मंजूर है। आप नहीं जाएंगे? लेकिन जरीना, मुझे आपकी कसम, मैं उस घर का सुरख चोड़ा तो क्या, सफेद कफन भी नहीं पहनूंगी। जरीना, मैं तुम्हें अपनी खताओं की आग में गीली लकड़ी की तरह जलता नहीं देख सकता। अगर मुझे आप बहुत समझने लगे हैं तो मेरा हाथ किसी फकीर के हाथ में दे दीजिए। लेकिन लेकिन उस दरवाजे पे ना जाए जहां से मेरी माँ को जलील करके निकाला गया है। लेकिन जरीना, आप मुझे जहर देते, उफ कर जाऊं तो आपकी बेटी नहीं। अफसोस, जिसे जिंदगी भर जहर समझकर नफरत करता रहा वो अमृत निकली, और जिसे अमृत समझा। क्या बात है आसिफ, मैं कई दिनों से देख रही हूं तुम बहुत परेशान हो। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो आसिफ। अरे छोड़ो इन बातों को, चलो घूमने चले। आ,
शर्मिंदा ना करो खालू जान, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं जरीना को आपके जान से ज्यादा अजीज रखूंगा, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं होने दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। तकदीर की सूली पर लटका हुआ तेरा बाप तुझे नदामत और आंसुओं के सिवा कुछ नहीं दे सकता। ऐसा न कहे, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। तुझे मुझसे शिकायत है, मैंने सारी जिंदगी तुझे सीधे से नहीं लगाया, आप मेरे सीधे से लग जा, न मालूम फिर मिलना नसीब हो या ना हो। हौसला करें अजीज, हौसला करें। रात के 2 बज गए और तुम अभी तक जाग रहे हो। तुम जाग जाओ तो मुझे भी नींद आ जाएगी बेटिया। क्या मतलब है तुम्हारा? पुराना नमक खार होने की हैसियत से इस घर के अच्छे और बुरे का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है बेटिया। तुम कहना क्या चाहते हो? गैर मर्द के साथ रातों घूमना ये अच्छी बात नहीं है बेटी। क्या अच्छा है और क्या बुरा है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम इस घर के एक मामूली से मुलाजिम और मैं मालिक हूँ। आइंदा से अपनी हैसियत और मेरे मर्तबे को जानकर बात करना। अपनी हैसियत और आपके मर्तबे से वाकिफ हूँ बीबी, लेकिन क्या करूँ, लंदन जाते वक्त मालिक ने जो जिम्मेवारी मेरे नातवां कंधों पे डाल दी उसको फर्ज समझ के निभा रहा हूँ, कहीं मेरा बुढ़ापा शर्मिंदा ना हो जाए बीबी। बकवास बंद करो, रात काफी हो गई है, अगर आइंदा तुमने मेरे मामलात में दखल देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मजा चखा दूंगी। मेरा फिक्र न किया करें पापा, अम्मी का ख्याल करें जिनके जिंदगी आपके सांसों से बाकी है। आपको मेरी कसम पापा, जो कुछ हो चुका है उसे तकदीर का लिखा समझ के सह जाए। खुदा गवाह है इस घर की चार दीवारी में कोई कमी है तो सिर्फ आपकी, और कोई दुख है तो आपकी बीमारी का। अगर मुनासिब समझे तो चंद रोज के लिए मेरे पास आ जाए, यही मेरी ख्वाहिश और उनकी चाहत भी है। मेरी तरफ से अम्मी को बहुत बहुत सलाम कहते। आपकी बेटी वो क्या खत लिखा का? वो मेरा शिकायत तो नहीं लिखा? अच्छे लोगों से शिकायत होती कब है? वो खालू खाला कोई तरह ने को बोला तुम्हारा हुक्म था तो कैसे ना लिखती? वो जाने जाना हमारा दिल को क्यों खपक करता है, वो खुदा का कसम हम तुम्हारे को कम देने वाला कौन होता है? तुम मेरे शोहर हो। ओ ये सब मुकद्दर का बात है जाने बदर, कहां तुम कहां हम किधर कहीं किधर लग गया। ऐसी बातें ना किया करो वरना मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। वो जाने बदर तुम नाराज कैसे हो जाएगा, वो हम शहर जाएगा तो तेरे को बुला लेगा। तुम शहर जा रहे हो? ओ जाने मन क्या करेगा, अभी हम पर जिम्मेदारी बढ़ गया ना, फसल तैयार होने तक हम शेर जाकर मजदूरी करेगा। ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई है? वो जरूरत पड़ गया ना बाबा, पहले हम अकेला था अभी हम डबल हो गया, और डबल के लिए डबल पैसा होना चाहिए। देखो ना इतना बड़ा बाप का बेटी, अगर तुम बोलो तो हम तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। उफो, क्या कमी है मेरे पास, तुम जैसा मोहब्बत करने वाला शौहर मिल गया, और मुझे क्या चाहिए? वो तुम हमारा दिल रखते है जरीना, हमको सब मालूम है, ये तुम नहीं बोलता है खाला का सबक बोलता है। कुछ भी हो तुम शहर नहीं जाओगे, तुम्हें मेरी कसम। वो नहीं जाएगा बाबा, नहीं जाएगा, वो जब जाएगा तेरे को पता भी नहीं चलेगा। क्या बोला? वो कुछ नहीं बोला, जो बोला वो भूल गया। Ma? Ma?
मां, मां, मैं तेरा आसिफ हूं, मां, मैं तेरा आसिफ हूं, आसिफ, मां, मां, मेरी बात तो सुनो मां। जमीला क्या बात है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या हुआ जमीला? तुम्हारी आंखों में आंसू, चेहरे पे पसीना, उखड़ी हुई सांस, ये सब क्या है? आपको आपको डॉक्टर ने बिल्कुल से उठने को मना किया है। मुझे मरने को तो मना नहीं किया। नहीं नहीं, नहीं। जो तसव्वुर भी आपकी जिंदगी के लिए जहर है, अगर हकीकत बनकर सामने आ गया तो आपका सीना फट जाएगा। ये तुम क्या कह रही हो जमीला? मैं आपको हर कीमत पर जिंदा देखना चाहती हूँ। अगर आपको कुछ हो गया तो आपके हाथों कब्र में उतरने की ख्वाहिश भी दम तोड़ देगी। जमीला है वो हकीकत जिसे देखकर मेरा सीना फट जाने का डर था तुम्हें। जमीला ये सीना तो कब का फट चुका है। जिस दिन कुदरत के अजाब ने मेरी बेटी का हाथ एक अनपढ़ और जाहिल आदमी के हाथ में दिया था, ये सीना तो उसी दिन टुकड़े टुकड़े हो गया था। क्या है अजीज? हट जाओ जमीला, हट जाओ जमीला। चला जा, मैं कहती हूँ चला जा यहाँ से। हट जाओ आसिफ, इस लकड़ी को पकड़ कर वार करो मुझ पर। पूछो मुझसे कि मैंने बेटे की ख्वाहिश क्यों की थी। पकड़ो इसे और वार करो। पापा जी नहीं, नहीं अजीज, खैरियत तो थी ना बेटा? बैठो बैठो बेटा, मैं चाय पानी अभी लाया। बैठो बैठो। सनम बेगम कहाँ है बाबा जी? चाय पी लो बेटा, इस बार काफी दिन गुजार दिए बेटा। अगर आपको खत ना मिलता तो शायद अभी मैं वतन वापस आता बाबा जी। खत मेरी वफादारी की फरियाद था बेटा। वो दिन मेरी जिंदगी का बदतरीन दिन था बेटा, जिस दिन मैंने इस घर की बेपर्दगी किसी गैर के कलम से की। अनपढ़ था ना बेटा, मजबूर था, वरना आपने अपना फर्ज अदा किया बाबा जी। वरना जिस तरह उंगली के पीछे सूरज को नहीं छुपाया जा सकता, इसी तरह बुराई हजार पर्दों में रहकर भी बरहना होती है। बुराई तो होती नंगा होने के लिए बाबा जी। बेटा घबराओ नहीं, अब तुम आ गए हो, सब ठीक हो जाएगा बाबा जी। बेटा खुदा के लिए कोई गलत कदम ना उठा लेना, ये वक्त होश जोश में आने का नहीं, होश में रहने का है बेटे। पापा जी, बेटा पापा।
भाईजान, ना आपने कुछ ला दिया, ना टेलीग्राम दिया, ना बताया, और अचानक ही आप आ गए। घर का रास्ता मालूम था, और फिर मैं ये भी नहीं चाहता था कि तुम्हारी सोशल मसरूफियात स्टार भरा। जान, बीवी के लिए शौहर से बढ़ के और कौन सी चीज प्यारी हो सकती है? हकीकत तो यही थी, लेकिन आजकल फैशन कुछ बदल गया है। कैसा फैशन? पुराने जमाने में मशरकी औरत अगर जवानी में बेवा हो जाती तो उसके नंगे सर पर सूरज का साया गुनाह समझा जाता, लेकिन आजकल की बीवी शौहर से चंद दिन की जुदाई भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम कहना क्या चाहते हो? यही, कुछ औरतों और तवायफों में फर्क सिर्फ इतना रह गया है, तवायफ कोठे पे बैठकर अपने जिस्म का निलाम लगाती है, और कुछ औरतें कोठी में बैठकर अपनी इज्जत का सौदा करती है। आईने में अपनी सूरत देखकर ये फैसला करो कि तुम्हारा शुमार किन औरतों में हो। नदामत के चंद आंसू दामन पे लगी बदनामी के दाग को धोने के लिए नाकाफी होते हैं मुसर्रत बेगम। मैंने तुमसे मोहब्बत की, ब्याह किया, वतन छोड़ा, जानती हो क्यों? इसलिए कि मैं तुम्हारे कदमों में दुनिया जहान के आराम और आसाइशें लाकर डाल सकूं। तुमने मुझे क्या दिया? बदनामी, रुसवाई और जिल्लत। अफसोस, जिसे मैं मासूम भूल समझा वो ऐसा कांटा निकला जिसने मेरे खानदान के नामूस को लहूलुहान कर दिया। मुसर्रत बेगम, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सह सकता हूँ, लेकिन बेगैरतों की जिंदा नहीं रह सकता। अगर तुम्हें मेरी रफाकत ना गवार है तो मैं तुम्हें तलाक दे सकता हूँ। लेकिन याद रखना, जिस औरत को खामन धुतार गए वो न दीन की रहती है और ना दुनिया। तो मेरे नसीब जागे
क्या सोच रहे हो बेटा? कुछ नहीं बाबा जी। मैं तेरी परेशानी समझता हूँ बेटे। बेटा, दुनिया में दौलत सब कुछ होती तो पैसे वाले लोग कभी भी अपनी बच्चियों की शादी न करते। पापा, मैं ठीक कह रहा हूँ बेटे? शादी तो औरत और मर्द के दरमियान जज्बाती बंधन होती है। भला तुम खुद ही सोचो बेटा, बगैर मर्द के औरत की जिंदगी? ताली दोनों हाथों से बजती है बेटे, तुम अपने आप को संभालो, मैं खाना लगाता हूँ। भूख नहीं है बाबा जी, भूख नहीं। शर्मा बाबा, तुम क्या खाना यहीं ले आऊं? नहीं बाबा, अगर हो सके तो थोड़ा सा जहर ला दो, मैं जीना नहीं चाहती बाबा, नहीं जीना चाहती। नहीं बेटा नहीं, ना उम्मीदी गुनाह है बेटा, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हुआ करते। बाबा, काश मैंने वो तुम्हारी नसीहत मान ली होती तो आज ये जिल्लत का दिन मुझे ना देखना पड़ता बाबा। घबराओ नहीं बेटा, अपने गुनाहों की माफी साहब से मांग लो, मुझे उम्मीद है साहब आपकी लक्षिशों को माफ कर देंगे। बाबा, सच बेटा? अल्लाह तुम्हारी ज़बान मुबारक करे बाबा। आमीन बेटा। अल्लाह तुम्हारी ज़बान मुबारक करे। सदा तुम पर हया का पर्दा रहे बिटिया। आसिफ, तुम वो मेन गेट पर विलायती कुत्ता बैठा हुआ था, लगता है आते ही झपट पड़ा। हासिल, खुदा के लिए वापस चले जाओ, मेरा शौहर घर वापस आ गया। इसीलिए तो मैंने रास्ता बदला है मेरी जान। वैसे भी हर रिश्ते का अलादा मकाम होता है, शौहर अपनी जगह, दोस्त अपनी जगह। मेरी भूल का मजाक ना उड़ाओ आसिफ, हकीकत को समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ आसिफ, माजी की गलती को दरख्त के साए की तरह समझो, जो साया वक्त के साथ बढ़ता है और खत्म हो जाता है। लेकिन वो इश्क और मोहब्बत, वो सब मेरी नादानी और तुम्हारे नर्स की ख्वाहिश थी। और वो जो तुम मुझसे झूठ बोलती रही। झूठ बोलकर तो मैंने अपना सब कुछ गंवाया है, तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मैंने बिगाड़ा क्यों नहीं, मेरा सुख चैन सुहाने ख्वाब सब कुछ लूट कर तुम्हें। लूट तो मैं खुद गई हूँ, औरत और मर्द की दोस्ती में नुकसान सिर्फ औरत को ही होता है। हया और शर्म की चादर हवा की एक ही झोंके से उतर जाती है, औरत अपने जमीर के आईने में अपनी सूरत दिखाने के काबिल नहीं रहती। जिस तरह मैं बहुत खूब। बाय द वे, ये किस फिल्म के डायलॉग थे? मैं कहती हूँ यहाँ से चले जाओ। अब मुझ में बर्दाश्त की कोई हिम्मत नहीं है, कोई हिम्मत नहीं है। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, वरना मैं चले जाओ, निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। चला सकोगी मुझ पर गोली? अगर मैं तुम्हें गोली ना मार सकी तो मैं आपको मार डालूंगी। जीने के काबिल तो मैं नहीं रही। तुम मर गई तो मैं कैसे जीऊंगा? मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। ओके, सी यू, बाय बाय। मेरे खुदा, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। मुझे माफ कर दो जावेद, मुझे माफ कर दो। खुदा भी ये गलती माफ कर दे, मुझे माफ कर दो। उनका पूछा अगर शाम को वापस आ जाए तो वो भूला नहीं कहलाता। मैं तुम्हें एक मौका और दूंगा ताकि तुम एक बार फिर मेरे इत्मीनान को ठेस पहुंचा सको। आसिफ स्पीकिंग। आसिफ, तुम फोन बंद मत करना डार्लिंग। क्या कहना चाहते हो? आई नो, मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरी आवाज नागवार गुजरेगी।
मेरी जिंदगी में इतना शहर मत खोलो कि बाकी सांसें लेना भी मुश्किल हो जाए। लेकिन मैंने तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा ठीक है, फिर मैं इस शर्त पे तुम्हें मिलूंगी, तुम वादा करो कि ये आखिरी मुलाकात होगी। मुझे मंजूर है। ओके टुमारो 10 o'clock राइट? ठीक है, ठीक 10 बजे मैं पहुंच जाऊंगी। अब तुम टेलीफोन बंद कर दो। बाय। आप आ गई? मेरे पास वक्त बहुत कम है आसिफ। मुझे यकीन था तुम जरूर आओगी। मतलब की बात करो। तुम यही चाहती हो ना कि मैं तुम्हारी दुनिया से निकल जाऊं? खुदा के वास्ते मेरी जिंदगी से निकल जाओ, तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। मैं चला जाऊंगा, लेकिन एक बात याद रखो मुसरत, पहाड़ से गिरो इंसान तो बच सकता है, लेकिन नजरों से गिरो इंसान कभी नहीं बचता। अगर तुम्हारे शोर ने तुम्हें घर से निकाल दिया तो तुम्हारा अंजाम धोबी के उस कुत्ते जैसा होगा जो न घर का न घाट का। नहीं नहीं ऐसा ना कहो आसिफ, सिज्जाद एक बहुत शरीफ इंसान है, वो मुझे माफ कर देगा, मैं उसे अपने गुनाहों की माफी मांग लूंगी, वो मुझे माफ कर देगा, माफ कर देगा। तुम औरत हो लेकिन बेवफा, तुमने अपने शोहर के साथ बेवफाई की है। मैं मर्द हूँ लेकिन वफादार, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नहीं आसिफ मेरी जिंदगी मत बर्बाद करो। उसके लिए एक शर्त है। कैसी शर्त? यही के तुम्हें छोड़ने के लिए मुझे ये मुल्क छोड़ना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। कितने रुपए? यही कोई 2 लाख रुपए। 2 लाख? इतनी बड़ी रकम मैं कहां से ला दूं? तो फिर ठीक है, तुम मुझसे मिलती रहो। नहीं नहीं ऐसा ना को आसिफ, आशना अपनी जगह और शोहर अपनी जगह। खुदा के लिए मेरी जिंदगी से निकल जाओ मेरी जिंदगी से, मैं हाथ जोड़ती हूँ। 2 लाख रुपए मामूली रकम है। मैं पूरी कोशिश करूंगी। उसके बाद मैं ये मुल्क छोड़कर तुम्हारी दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चले जाऊंगा, तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। सुनो सर्विस स्टेशन तकलीफ नहीं दोगी? ठीक है। हाँ चलो चलो। डॉक्टर से जी? क्या कहा है डॉक्टर ने? कुछ नहीं जी, लगता है मर्ज लाइलाज हो गया है। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। लेकिन जो दवा आज मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ तुम्हारे हर मर्ज के लिए परफेक्ट है। परफेक्ट? जो कुछ मैंने अपने कानों से सुना था आज आंखों से देखकर हर शक यकीन में बदल गया। क्या ऐसा शक? वाकई कमान से निकला हुआ तीर और गुमराह औरत के उठे हुए कदम कभी वापस नहीं आया करते। मैं इस तेजाब से तुम्हारे खूबसूरत चेहरे को इस तरह बिगाड़ दूंगा कि तुम आइंदा किसी को शक्ल ना दिखा सको। बेटा जा मामा, खुदा के लिए जा मामा, तुम ऐसा नहीं कर सकते बेटा।
बात यहां तक पहुंच चुकी है तो उसे तलाक दे दो बेटा। नहीं पापा, मैं से तलाक हरगिज़ नहीं दूंगा। अगर इसने मेरा घर बर्बाद कर दिया है तो इसके किसी आश्रय का घर भी आबाद नहीं हो सकता। वक्त और शरीयत इस अमर की इजाजत नहीं देते बेटा। हो सकता है ये फैसला तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो। मुझे किसी अंजाम का डर नहीं पापा, मैं किसी अंजाम से नहीं डरता पापा। जज्बाती बन के नहीं सोचो बेटा। मंजिल जुदा हो जाए तो रास्ता बदल लेना जरूरी होता है बेटा। यही मेरी जिंदगी का तजुर्बा है। उसे तलाक दे दो बेटा, उसे तलाक दे दो बेटा, उसे तलाक दे दो। मैं इसे जरूर तलाक दूंगा, लेकिन उस वक्त जब इसके दांतों की सफेदी इसके बालों में मुंतकिल हो जाए, इसका बेवफा हुस्न इसका साथ छोड़ जाए, फिर ये किसी फुटपाथ पर खड़ी होकर भीख मांगेगी और उसकी हथेली में खोटा सिकट डालने वाला भी कोई नहीं होगा। कोई नहीं होगा पापा, कोई नहीं होगा पापा। क्या हाल है जाने मन? हेलो हेलो हेलो, मैं तो छोड़ना चाहता हूँ, तुम नहीं चाहती। सोच लो मुसरत, मैं जितनी जल्दी तुम्हारी जिंदगी में दाखिल हुआ था उतनी आसानी से जाने वाला नहीं हूँ। धोस दे रही हो मुझे? याद रखो मुसरत, मर्द की हवस के तरकश में एक से ज्यादा तीर होते हैं। अभी तो मैंने एक तीर भी नहीं छोड़ा। मालूम होता है साहब ने तुम्हें बहुत परेशान कर रखा है। नेवर माइंड माई डार्लिंग, हर आग का इलाज मेरे पास मौजूद है। बाय। नफरत की संचीरों में जगती हुई हवा की बेटी, तुझे ये लोहे का जेवर किसने पहनाया है? उस मर्द ने जो खुद तो हर गुनाह कर गुजरता है और शर्मिंदा तक नहीं होता, और तेरी एक ही भूल तुझे ना जाने क्या से क्या बना देती है। तो कितनी मजबूर है, कितनी बेबस है, कितनी बेबस है, कितनी बेबस है। तो आसिफ तुम? हाँ मैं। क्यों अपनी खूबसूरत जिंदगी को रोक लगा रखा है तुमने? मैं पागल हो जाऊंगी आसिफ, मैं पागल हो जाऊंगी। उस बेहिस आदमी के लिए जिसके दामन में तुम्हारी जज्बात के लिए कोई जगह नहीं। ये सब तो मेरा मुकद्दर बन गया है। मुकद्दर तकदीर की नाकामी का दूसरा नाम है पागल। ये लो, ये वो जहर है जिसका मजा बताए बगैर इंसान दूसरी दुनिया ट्रांसफर हो जाता है। परेशानी कर बाबा आप? हाँ बेटिया, जाओ साहिब को चाय दे आओ। बेटिया मैं चाय दे क्यों? हाँ बेटा अपने हाथों से दे आओ। नफरत को, नफरत की दीवारों को ऊंचा नहीं किया करते बेटे। जाओ अपने हाथों से दे आओ बेटे, जाओ जाओ बेटा। आप जाइए, मैं दे दूंगी चाय। मेरा कोई मूड नहीं चाय पीने का। पी लो से। हाँ आई एम सॉरी, मैं नहीं पी सकती चाय। सुना नहीं तुमने? पी लो से। सर गौर से
से देखिए जेदी साहब, मैं मरी नहीं, मैं जिंदा हूं। आप ये समझे थे ना कि मैंने आपकी चाय में कुछ मिला दिया है? आपकी सोच बिल्कुल गलत थी। मैंने आज तक आपसे नफरत नहीं की, लेकिन आज से आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। ये कैसा इश्तेहार है बेटे? मैं जयराज भेज रहा हूँ बाबा जी। क्यों बेटा? इसके लिए सब कुछ बनाया था, वही अपना ना रहा तो ये जयराज रख के क्या करूँगा बाबा जी? ना बेटा ना, उन दीवारों से मुझे खौफ आने लगा है, इस घर में मेरा दम घुटने लगा है बाबा जी। पढ़े लिखे होकर ऐसी बातें ना करो बेटा। मैं वापस जा रहा हूँ बाबा जी, अगर यहाँ रहा तो मैं मर जाऊंगा। नहीं बेटा, ऐसा ना कहो बेटा। हेलो, एनी न्यूज? तुम कुछ भी नहीं कर सकती, तुम बुजदिल हो। औरत पैदाइशी तौर पर बुजदिल होती है, याद रखो मुसरत। अगर वक्त की डोर तुम्हारे हाथ से निकल गई तो जिंदगी भर पछताती रहोगी। क्या कहा? जायदाद बेचकर जा रहा है? याद रखो मुसरत, अगर ऐसा हुआ तो जिंदगी भर दर दर की ठोकरें तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। तुम कहीं की नहीं रहोगी, तुम सब कुछ कर सकती हो। ठीक है, वेट फॉर मी, मैं आ रहा हूं। We'll be right back.
कौन? मैं हूँ अम्मी आसिफ। क्यों आया है यहाँ? चला जाए यहाँ से। दरवाजा खोलो अम्मी, पुलिस मेरा पीछा कर रही है। दरवाजा खोलो। पुलिस? क्यों, क्या किया है तूने? अम्मी वो मुझसे खून हो गया। बदबख्त, ये क्या क्या किया है तूने? क्या किया है? कौन है? कौन है भाई? जमीला कौन है? मैं हूँ जमीला। इसे कह दे यहाँ से चला जाए, चला जाए यहाँ से। नहीं अजीज, नहीं। जमीला ये तुम कह रही हो? मैं इसकी माँ हूँ अजीज, माँ हूँ। हाँ तुम इसकी माँ हो, जाओ तुम भी के साथ चली जाओ। मेरे पास रखा ही क्या है, नंग भूख बीमारी। अजीज, अजीज आज अंधा रह गया। जिस वफा पे नाज था वो आज ममता की भेंट चढ़ गई। खुदा गवाह है अजीज, मैंने रो रो कर तुम्हें बेटे के लिए नहीं, अपने सुहाग की रफाकत के लिए मांगी थी। आपके सर की कसम, ये एक बेटा तो क्या, मैं आप पर अपना सब कुछ कुर्बान कर सकती हूँ, सब कुछ कुर्बान कर सकती हूँ, सब कुछ कुर्बान कर सकती हूँ। यासिफ कौन है? मकतूल की बीवी का आशना है सर, ये उसकी तस्वीर है। मकतूल ने लव मैरिज की थी सर, और लंदन में कारोबार किया करता था। तो यही है तुम्हारा बयान बाबा? कौन? काश मैंने उनको लंदन से न बुलाया होता साहब, न बुलाया होता। अच्छी तरह सोच लो बाबा, तुम्हारा यही बयान किसी के लिए सजाए मौत भी बन सकता है। मुझे कसम है इस उम्र की साक्षी, मैंने जो भी कहा है अल्लाह को गवाह जानकर सच कहा। अच्छा बाबा जी, अब आप जा सकते हैं। खुदा आपको तरक्की दे साहिब, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। बेगम, सरद बेगम मैं जिंदा हूँ, मैं तुझे चैन से जिंदा नहीं रहने दूंगा, तुझे चैन से जिंदा नहीं रहने दूंगा, नहीं। सरत, मैं जिंदा हूं। मैं चैन से नहीं जीने दूंगा, तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगा। मुसर्रत, तुम क्या समझती हो कि तुम खामन को कत्ल करके सुकून से जिंदा रह सकोगी? हाय रे, Oh,
आसिफ यहाँ है? इस घर की तलाशी लेना जरूरी है सर। तुम? आई एम सॉरी मिस्टर अजीज, रात सोसाइटी की कोठी में कत्ल हो गया है। वाकियात और शवाहे तुम्हारे बेटे को कातिल साबित कर रहे हैं। मैं हार गई अजीज, बेटी का हाथ एक देहाती के हाथ में देकर भी तुम्हें जिल्लत से न बचा सकी। आपका बेटा मफरूर है अजीज साहब। लेकिन मैं तो मफरूर नहीं हूँ। ले चलो मुझे, चढ़ा दो फांसी पर। सबसे बड़ा मुजरिम तो मैं खुद हूँ, और फिर तुम्हें अपने दिल की भिड़ास निकालने का इससे अच्छा मौका और क्या मिलेगा? आप गलत समझ रहे हैं अजीज साहब, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। मुल्जिम को गिरफ्तार करना मेरा जाती मंशा नहीं, कानून का तकाजा है। इंस्पेक्टर, ले चलो इनको। हमने तो नहीं किया अजीज। आपको साथ ले जाने का मतलब सिर्फ इतना है कि कातिल आपकी गिरफ्तारी का सुनकर अपने आप को पेश कर दे। कम ऑन। अरे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं मेरे लाल, कोई जरूरत नहीं। माँ और पापा को पुलिस थाने ले गई है। पुलिस ने यह गैर कानूनी हरकत तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए की है। अब क्या होगा? वो उन्हें चंद दिन के बाद छोड़ देंगे, और अगर तुमने गिरफ्तारी दे दी तो सीधे फांसी के तख्ते पर चढ़ जाओगे। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बेफिक्र होकर यहां पड़े रहो, वक्त गुजरने के बाद केस खुद ब खुद कमजोर हो जाएगा, और पुलिस तुम्हारे माँ बाप को छोड़ने पर मजबूर हो जाएगी। बहुत खुश नजर आ रहे हो खान बाबा, लेकिन याद रखना कातिल को पना देना बहुत बड़ा जुर्म है। लेकिन जो मजा मुझे इस वक्त आ रहा है मुंशी, वो नाकाबिले बयान है। मैं चाहता हूँ कि अजीज ज्यादा से ज्यादा देर तक पुलिस की हिरासत में रहे। लेकिन इससे तुम्हें क्या मिलेगा? मेरे जज्बे इंतकाम को तस्कीन मिलेगी। ओते ठीक है खान पावे, पर मैं डरना किधरे लोगों दे तो लिचना आ जावे। ओ खान, खान क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? क्या तुम्हारा नाम ही बदर है? हाँ मेरा नाम बदर है। क्या आसिफ खान यहाँ आया है? नहीं, यहाँ तो नहीं आया। क्या बात है, खैरियत तो है? वो कातिल है और कानून को उसकी तलाश है। ये क्या कहते हो इंस्पेक्टर साहब, उसने कत्ल किया? हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ। इसी सिलसिले में मैं तुम्हारे घर की तलाशी लेना चाहता हूँ। साहब ऐसा कभी नहीं होगा, मैं अपना घर का तलाशी नहीं दूंगा। क्यों? कि घर में मेरा बीवी बैठी है। यही कानून की मंशा है। लेकिन ये मेरे इज्जत का सवाल है, मैं अपना गर्दन कटवा सकता हूँ लेकिन अपने घर का तलाशी कभी नहीं दूंगा। अगर तुम इतने ही गैरतमंद हो तो सुनो, तुम्हारी सास और ससुर पुलिस की हिरासत में है, और जब तक आसिफ पकड़ा नहीं जाता वो दोनों पुलिस की हिरासत में रहेंगे। ये क्या कहते हो इंस्पेक्टर साहब? मैं ठीक कह रहा हूँ। अगर ये बात हो इंस्पेक्टर साहब, तो मैं कसम खाकर कहता हूँ कि एक हफ्ते के अंदर अंदर सब खान तुम्हारे हवाले कर दूंगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो फिर तुम मेरा घर का तलाशी ले सकते हो। कौन हो तुम? क्या शोर मचा रखा है? क्या बात है? मेरा भाई किधर है? तुम्हारा भाई? अभी तुम्हारी मुलाकात तुम्हारे भाई से मैं कराता हूँ।
तुम्हें आसिफ चाहिए या जिंदगी? मुझे आसिफ चाहिए। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। चले जाओ यहाँ से। हाँ, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। मैं सबको लेकर ही जाऊंगा। क्या है मेरा भाई? आगे मत बढ़ो वरना मैं गोली मार दूंगा। मुझे गोली की परवाह नहीं है। आगे मत बढ़ो। मैं क्या बात है? बोलो किधर आते हो? बताता हूँ मुंशी आसिफ को बुलाओ। अभी मुसलमान हुआ ना? अगर तुम पेन ऐसे बताता तो क्यों तुम अपने पेट दिखा देता? लेकिन याद रखो, अगर अभी भी तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पगल आसिफ, आसिफ बदल, ये तुमने क्या जंगी वाली हरकत की? शुक्र है आसिफ कि मैं जंगल में पैदा हुआ हूँ, शहर में नहीं, वरना तुम्हारे जैसे बेगैर हो जाता मैं। ये क्या बकवास कर रहे हो? ये बकवास नहीं, हकीकत है। जिसका माँ बाप पहले में बैठा हो और बेटा मुझ पर क्या दे रहा हो, ये बेगैर की नहीं दोस्त क्या है? मुझ पर इल्जाम है, मैंने कोई कतल वतल नहीं किया। अगर तुम पर इल्जाम है तो जाकर अपने गुनाह का सबूत पेश करो। वहाँ मेरी बात का यकीन कौन करेगा? मेरे बात सुनता या नहीं, लेकिन मैं तुझे नहीं ढाऊंगा थाने। ये तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारा दुश्मन है। इसके साथ मत जाना वरना तुम्हें फांसी के तख्ते पर तुम्हें चढ़ा देगा। हाँ, मैं तुम्हारा अंदर तू हाजिर, मैं तुम्हारा अंदर तू। इसके साथ मत जाना, इसके साथ मत जाना। खबरदार, आगे मत बढ़ो बदल, मैं गोली मार दूंगा। मैं तुम्हारी गोली से नहीं करता हूँ, मैं तुम्हें नहीं दूंगा तारे। खबरदार आगे बढ़े, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, गोली मार दूंगा। कानून तो तुम्हें पांच में सजा देगा, लेकिन मैं तुम्हें भी सजा दूंगा। चल मेरे साथ, आगे हो जाओ, मैं गोली मार दूंगा। आगे हो जाओ, आगे हो जाओ। FIR के मुताबिक सज्जाद अहमद एक साहिब हैसियत इंसान था जनाब वाला, जो कारोबारी सिलसिले में अक्सर मुल्क से बाहर रहा करता था। सज्जाद अहमद की गैर मौजूदगी से फायदा उठाते हुए मुलजिम ने मकतूल की आजाद ख्याल और नौजवान बीवी से मरासिम पैदा कर लिए। और एक दिन दोनों ने मकतूल को अपनी राह से हटाने के लिए उसे मौत के घाट उतार दिया। अंजाम के खौफ से मकतूल की बीवी मुसर्रत सज्जाद ने खुदकुशी कर लिया। एक तो अपने अंजाम को पहुंच गया जनाबे वाला, और दूसरा मुलजिम जो आपके सामने खड़ा है, इसके खिलाफ मकतूल के देरीना मुलाजिम की दर्ज करवाई हुई इब्तदाई रिपोर्ट और वो इकबाली बयान जो मुलजिम ने एक गिरफ्तारी के वक्त पुलिस को दिया था, मुकम्मल शहादत समझते हुए अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि मुलजिम को सख्त से सख्त सजा दी जाए, जो कम अज कम मौत हो। I mean डेथ पनिशमेंट। 1.5 साल में आना। मेरे मुवक्किल की तरफ से दरख्वास्त है जनाब वाला। मुलजिम आसिफ, तुम्हारे वालिद का इस मुकदमा कत्ल से क्या ताल्लुक है? गहरा ताल्लुक है जज साहब। मैं अपने बाप से यह पूछना चाहता हूं, क्या जिस मकाम पर मैं खड़ा हूं उसका जिम्मेदार कौन है? मैं गंदगी का ढेर हूं जनाब वाला। मानता हूं कि बीमारी मुझसे फैली है, लेकिन यह गंदगी का ढेर लगाया किसने? मैं एक मुजरिम हूं जज साहब, लेकिन मुझसे बहामुद्दीन मेरा बाप है। अगर अदालत ने मेरी दरखास्त रद्द करते हुए मेरे वालिद को कचहरे में आने का हुक्म न दिया तो मैं समझूंगा कि कानून ने मुझसे नहीं पूरे माशरे के साथ नाइंसाफी की है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, मुलजिम के वालिद का इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं। आई ऑल्सो ऑब्जेक्ट योर ऑनर, अपनी सफाई में शहादत पेश करना मुलजिम का कानूनी हक है जनाब वाला।
मुल्ज़िम के वालिद अजीज अहमद इस वक्त अदालत में मौजूद हैं। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि उन्हें कटहरे में बुलाया जाए। मुल्ज़िम की दरख्वास्त को मंजूर करते हुए अदालत मिस्टर अजीज अहमद को कटहरे में तलब करती है। गंदगी का ढेर मैंने लगाया है जज साहब। मैं कभी इस मुल्क का बहुत अमीर आदमी था। दुनिया की हर नेमत थी मेरे पास। कमी थी तो सिर्फ एक वारिस की, जिसकी चाहत में अंधा होकर मैंने अपने घर के दरवाजे अपनी वफादार बीवी के लिए बंद कर दिए। अपनी मासूम बच्ची को मदहूस समझा। जब ये बारिश पैदा हुआ तो दुनिया भर की हर आसाइश इसके कदमों में डाल दी। यही मेरा कसूर था जज साहब, और यही मेरा जुर्म, जिसकी वजह से मैं कोठी से झोपड़े, झोपड़े से थाने और थाने से लाकर इस कटहरे में खड़ा कर दिया गया। जज साहब, इस बेटे की वजह से मैंने अपनी मासूम बच्ची को इस अंदाज से रुखसत किया है जिस तरह किसी गरीब आदमी का जनाजा उठाया जाता है। मुझ में अब इधर रहने की हिम्मत नहीं है जज साहब। तकदीर ने जो सजा मुझे दी है तो आपकी अदालत में उससे बड़ी सजा मेरे लिए मौजूद है। मुझ पर यह खुदा का अजाब है जज साहब, इसलिए कि मैंने मसलत खुदावंदी के खिलाफ इस बच्चे की ख्वाहिश की थी। काश काश आज तू पैदा ना हो, तू पैदा ना हो का। पापा मर गया।